वे दलित समाज से शेड्यूल कास्ट से आती है। देखिए मैंने हिंदी में भी बताया है कि अभी अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, श्रीमती नवनीत राणा जो निर्दलीय सांसद है, हनुमान चालीसा बोलने पर उनके ऊपर सिडिशन की कार्रवाई, राजद्रोह की कार्रवाई की गई, उनको पुलिस कस्टडी में डाला गया। वे दलित समाज से शेड्यूल कास्ट से आती है, उनको उनके समाज के ऊपर से गाली दी गई। एक महिला होते हुए भी पीने का पानी नहीं दिया गया, उनको वॉशरूम जाने नहीं दिया गया और बहुत ही गंदा व्यवहार उनके साथ हुआ, ऐसा पत्र उन्होंने उनके वकील के थ्रू देश की लोकसभा के स्पीकर को भेजा है। मैं ऐसा मानता हूं महाराष्ट्र में एक काला इतिहास ये सरकार लिख रही है। सर, आपका एक सवाल है, आपने कहा कि हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में पढ़ेंगे, पाकिस्तान में तो नहीं पढ़ेंगे। आज ही एनसीपी की एक कार्यकर्ता है जिन्होंने एक लेटर लिखा है गृहमंत्री, उन्होंने कहा है कि उनको परमिशन दी जाए कि पीएम ऑफिस पीएम के घर पर जाकर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता। ठीक उसी परिपाटी पर जैसे हमने इतना नहीं, अगर उनको मैं तो उनको आमंत्रण देता हूँ, उनको अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मेरे घर के सामने आए, हनुमान चालीसा पढ़े, मैं भी उनके साथ पढ़ने को जाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा। असं आहे की जेव्हा गोष्टी जुन्या होतात तेव्हा लोक विसरतात आणि सोयीच्या गोष्टी लक्षात ठेवतात। कोणी सरकार पाडलं, मग पुन्हा काँग्रेसमध्ये कोण गेलं, मग पुन्हा काँग्रेसचं सरकार कोणी पाडलं, मग पुन्हा काँग्रेसमध्ये कोण गेलं, याचा इतिहास हा सगळ्यांनी बघितलाय। अशा प्रकारे सरकार पाडणं, काँग्रेस बाहेर पडणं, काँग्रेसमध्ये जाणं अस्वस्थतेशिवाय थोडी होतं। कोणी स्वस्त बसलाय आणि मॅच पाहतोय तो थोडी असं करतो। त्याच्यामुळे काळजीचं कारण नाही, मी एकाच पक्षात आहे आणि माझा पक्ष सत्तेवर येणारच आहे, मला चिंता नाही आहे। देखिए हनुमान चालीसा का पाठ तो हम हमेशा ही करते हैं और इसके ऊपर क्या कार्रवाई करना ये हमारी पार्टी में हम तय करेंगे। हम पहले ये देख रहे हैं कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी तय करेगी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब कम से कम उद्धव जी उस महिला के घर गए तो बिचारी महिला 80 साल की उनके घर के सामने रात में आकर बैठी, वो महिला आक्रोश कर रही थी, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली, मुझे घर नहीं मिला, इतने साल में शिवसेना में हूँ, मेरे तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो कम से कम उसकी ओर ध्यान देकर उस महिला को घर मिले, उसके बेटे को नौकरी मिले, ऐसा थोड़ा सा प्रयास मुख्यमंत्री जी करें। और साथ साथ ये भी अपेक्षा है कि एसटी के स्ट्राइक में जिन कर्मचारियों ने आत्महत्या की उनमें से किसी के घर भी मुख्यमंत्री जी जाए, थोड़ी संवेदना दिखाए। जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनमें से एक आधे किसान के घर में मुख्यमंत्री जाए, थोड़ी संवेदना दिखाए। सर हमारी मराठी खास प्लीज, प्रोटोकॉलनुसार मुख्यमंत्र्यांनी जाणं अपेक्षित होतं पण तसं झालं नाही, ते एका शिवसैनिक महिलेला भेटायला। नाही, किमान मुख्यमंत्री कोणाच्या तरी घरी गेले याचा मला आनंद आहे, पण त्या वृद्ध महिलेच्या घरी गेल्यानंतर तिचा आक्रोश तरी मुख्यमंत्र्यांनी समजून घेतला पाहिजे। ती सांगत होती 80 वर्षाची झाली, इतके वर्ष शिवसेनेमध्ये काम करते आहे, माझ्या मुलाला नोकरी नाही, माझ्या नातवाला नोकरी नाही, मला घर नाही, माझी परिस्थिती खराब आहे। आता किमान त्या वृद्ध मातेला तरी मुख्यमंत्र्यांनी काही मदत केली पाहिजे। आणि एवढंच नाही आहे तर मला असं वाटतं की ज्याप्रमाणे त्यांच्या घरी मुख्यमंत्री गेले तसंच एसटीच्या संपामध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली
त्यातल्या एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या घरी जाऊन थोडीशी संवेदना दाखवली पाहिजे. इतक्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन त्यांनी संवेदना दाखवली पाहिजे. एवढं तरी किमान आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी करावं. चला धन्यवाद. आता आमचा पक्ष प्रवेश आहे.